दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटर टॉक कार्तिक पारिया के यूट्यूब चैनल में। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं आज मौसम को देखते हुए पुष्कर। तो पुष्कर में जाके आपको वहाँ की एक स्पेशल लोकेशन जहाँ पे वाटरफॉल होता है, बस हमारा साथ थोड़ा मौसम दे दे और वहाँ पे वाटरफॉल चंडू हो तो वहाँ जाके आपको वहाँ का पूरा व्यू और वहाँ का रास्ता भी बताते हैं, क्योंकि हर किसी को पता नहीं अजमेर में कहाँ है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके का हो रखा है आज मौसम, और इसी मौसम की वजह से हमारा घूमने का प्लान बना है। सबसे पहले अपन ये बैग देख लेते हैं जो हमने ऑर्डर करा था लास्ट अभी, तो फटाफट इसे ओपन करते हैं अंदर चल के और इसे लगा के देखते हैं यूज़फुल है भी या नहीं। तो ये वेस्ट बैग मंगाया मैंने, देखो इसमें आप इजीली अपने मोबाइल वगैरह कॉइंस कैरी कर सकते हैं। साइड में लगाने पर कुछ इस तरीके का लग रहा है और वेस्ट पे लगाने पर साइड में ज़्यादा थोड़ा सही लग रहा है। एक बार इसको कमर में लगा के बताऊं क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो चलो अब निकलते हैं अपन घर से बाहर और चलते हैं पुष्कर की ओर, जो जल्द से जल्द जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसी कारण आज हम बाहर निकले हैं। ना ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना ही धूप निकल रखी है बाहर। तो सबसे पहले गाड़ी की पेट पूजा करा लेते हैं यहाँ से, उसके बाद आगे चलते हैं। और हमारे साथ जा रहे हैं आज महावीर भैया। ये है महावीर भैया, मिल लिया आप इनसे। तो ये एक चौपाटी है जो पुष्कर से जाते टाइम खाटी के बीच में आती है, यहाँ आप अपनी फोटोज कैप्चर कर सकते हैं रुककर। ऐसी सेम एक चौपाटी और आती है जिसे महाराणा प्रताप स्मारक बोलते हैं। हम एंटर हो गए पुष्कर के अंदर और ये जो सीधा रास्ता है वो ब्रह्मा मंदिर के अंदर जाता है। आपको किधर नहीं मुड़ना है, सीधा अंदर जाना है और आगे जाके एक गुरुद्वारा है, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। तो वो लेफ्ट मैं अभी आपको बता दूंगा वीडियो में आगे। तो ये है वो गुरुद्वारा जिससे हमें अंदर चलना है, और अंदर जाके आपको उस वाटरफॉल की लोकेशन में बताता हूँ आपको अभी। अब यहाँ सामने भी आपको दो रास्ते मिलेंगे, तो आपको नीचे तरफ वाले में जाना है, राइट हैंड पे जो है इधर जिससे गाड़ी आ रही है उधर पे जाना है, और आगे जाके और मैं आपको रास्ते के असिस्ट कर दूंगा। इस रोड पे बहुत सारे होटल्स और कैफे भी बने हुए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे डेजर्ट सफारी होती है, यहाँ पे कैमल और थार वगैरह रहती है, इससे आप ऑफ रोड वगैरह और एक पुष्कर का पूरा राउंड ले सकते हैं जो आपको कैमल सफारी कराते हैं। ये देख लीजिए, ये जो कैमल सफारी के पीछे हट से इसमें बैठा के आपको पूरा पुष्कर का एक व्यू दिखाते हैं, और मेले के अंदर तो बहुत ही अच्छा सीन होता है। अब ये जो पुलिया है, इस पुलिया से अपन को नीचे लेना है, पुलिया के ऊपर नहीं लेना है अपन को, पुलिया से नीचे चल के सीधा 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 एक कच्चा सा रोड है, ये देख लीजिए, और ये जीप्स वगैरह खड़ी है जिसमें ऑफ रोडिंग वगैरह कराते हैं। अब नीचे लेके अपन को लेफ्ट टर्न लेके सीधा सीधा चलना है आगे। अपने स्किल का परीक्षा मत दे देना यहाँ पे एक टायर पे चलाने का। देख धीरे, बस 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 बस, हाँ देखो कहाँ हाइट पर बन रखा है, बस आप मत देखो मैं ही देख लूँगा, आप तो रोड देखो बस। वाह वाह वाह, लो भाई खाटू नरेश नर्सरी, नीचे नीचे रुको रुको रुको, हाँ सीधा सीधा ऊपर ऊपर,
बजे है खाटू शाम की। सीधा 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलो सीधा चलो। जगह तो ऑलमोस्ट आ गए अपन, बस बस झरना चल लो, भगवान साथ दे दे अपना। जगह तो आ गए अपन ऑलमोस्ट, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है यार, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। नहीं है देखो आप साइड से लो दस। हाँ लोग बहुत सारे हैं, देखो दिख रहे हैं ना, बिल्कुल नेचुरल है यार, और किसी को पता भी नहीं है अभी अजमेर में इतना। आप पहले आए थे क्या? महावीर कांटा मत लगवा देना गाड़ी पे, यहाँ कोई पंचर नहीं है, इतनी दूर अपन को घसीटनी पड़ी आएगी गाड़ी। बस महावीर नहीं साइड में है ना, यही खड़ी कर दो। देखो इतने सारे लोग आए हैं ना, पानी आने रह गया, हाँ तो रहा थोड़ा थोड़ा। अभी बरसात ज़्यादा हुई नहीं इसलिए पानी ज़्यादा है नहीं, वाटरफॉल हो नहीं रहा है, पर होता है यहाँ पर। एक बार आप देखोगे तो दिखाते हैं अभी आपको, चलते हैं वहाँ पर। पानी का फ्लो कम करने के लिए बने हुए हैं ना ये, आता है बहुत पानी आता है, अभी बारिश ज़्यादा हुई नहीं ना तो इसलिए नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा। अब वहां से निकलकर हम आपको एक और लोकेशन पे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पे वाटरफॉल हम आपको दिखा नहीं पाए, तो इसीलिए हम आपको पुष्कर की एक और जो सैंड डेजर्ट है, जो सैंड पार्क जिसे बोलते हैं, जिसे मिनी जैसलमेर कह के बोला जाता है, उस जगह हम आपको लेके जा रहे हैं। तो आपको सावित्री माता वाले रोड पे सीधे सीधे आना है, और सीधे चौराहे से भी सीधा अंदर आना है। तो देखो हम, तो चलिए हम आपको वहीं लेकर चल रहे हैं। अब तो ये देखिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था, कैमल सफारी आपको कराई जाती है, तो इस तरीके से होती है। कुछ पूरे पुष्कर का आपको एक राउंड लगवाते हैं, ये जो पुष्कर की नेचुरल ब्यूटी है वो दिखाई जाती है आपको यहाँ से। ये देख लीजिए पूरा एक राउंड लगवाते हैं पूरा पुष्कर का चारों तरफ। लीजिए कुछ उधर से भी आते हुए दिख रहे होंगे आपको, ये टोटल सफारी हो रही है, ये कैमल सफारी। डेजर्ट में आए और कुछ हम अभी अपना हाथ साफ ना करें डेजर्ट में बाइक से, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप देख के आपकी खुद की इच्छा हो जाएगी यार, यहाँ मजा आ गया। पहली बार ही आए ना सर ऐसे मौसम में, पहली बार आया, खुद ही पहली बार आया हूँ मतलब बाइक पे, बाइक पे। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, अगर आपके पास 4x4 नहीं है, 4x2 है, तो ये चीज़ ना बिल्कुल ना करें। ये देख लीजिए एक अल्टो फंस गई है, क्योंकि ये 4x2 है तो यहाँ पे ये स्टक हो गई है। और अगर आपके पास 4x4 है तो फिर क्या ही कहने, यहाँ पे वो पूरा यहाँ पे आपको पैसा वसूल करा देगी। ये देखो, ये देख रहे हैं आप सामने, इस तरीके से कुछ थार के साथ राइड होती है यहाँ पे। I want you and only you.
ऑफ रोडिंग के जो एंथुजियास्ट है ना यार, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है ये देखो आप। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।